यह है देश की सबसे लंबी रेलवे टनल। इसको भारतीय रेलवे ने T50 का नाम दिया है। यह रेलवे टनल देश की सबसे लंबी यातायात टनल भी बन गई है। इसमें ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। यह रेलवे टनल 13.25 किलोमीटर लंबी है। दरअसल 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल खड़ी सुंबर संगलदान रेल सेक्शन को ट्रेनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस समय हम देश की सबसे लंबी यातायात टनल में सफर कर रहे हैं और यह रेल टनल जिसको आज ही यातायात के लिए खोला गया है T50 इसका नाम है। 12.75 किलोमीटर लंबी यह रेल टनल पीर पंजाल रेल टनल को पछाड़कर अब देश की नंबर 1 रेल टनल बन गई है। यहाँ पर रेल कार के अंदर हम मौजूद हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि तमाम लोग जो सोचते होंगे इस रेल टनल के अंदर सफ़र करें उनके लिए ये सफ़र कैसा होगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कटरा बनिहाल रेल मार्ग की ये खास टनल है जिसके अंदर से हम सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे तमाम मीडिया के साथी हैं जो इस रेल टनल को देखने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहली ट्रेन जिसको फ्लैग ऑफ किया गया उसका कहीं ना कहीं उस सेरेमनी में भाग लेने के लिए उसकी कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, कटरा बनिहाल रेल मार्ग की जब हम बात करते हैं तो तमाम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कटरा बनिहाल रेल मार्ग को जल्द ही खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ 48.1 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन को खोला गया है बनिहाल से लेकर संगलदान तक। और बनिहाल से संगलदान के बीच की अगर हम बात करें तो खड़ी है, खड़ी के बाद जो है सुंबड़ स्टेशन है। खड़ी और सुंबड़ के बीच की ये रेल टनल अपने आप में खास कई मायनों में कही जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर अत्याधुनिक हम कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है। साथ ही साथ इसके अंदर तमाम सेफ्टी के कदम उठाए गए हैं क्योंकि लंबी टनल है, एस्केप टनल भी दी गई है। इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ ये टनल ट्रेनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश की सबसे लंबी यातायात टनल T50 को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पूरी सुरंग को अग्निरोधी बनाया गया है। इसमें जगह जगह आपातकालीन रास्ते बनाए गए हैं जो इसके पास में ही बनी एस्केप टनल से जुड़ते हैं। पूरी की पूरी टनल में LED लाइटें लगाई गई हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रॉली शेल्टर बनाए गए हैं। भारतीय रेलवे में पहली बार खड़ी सुंबड़ के बीच में देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 सहित बनिहाल संगलदान सेक्शन में विद्युतीकरण के लिए रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम लगाया गया है। रेल सुरंग T50 से बाहर आते ही दासा नाला पड़ता है जिसका पुल अपने आप में जबरदस्त है। वहीं इसके बाद सुंबड़ स्टेशन पड़ता है जो काफी चुनौतीपूर्ण स्टेशन रहा है।